हे वेलकम बैक टू योर चैनल आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ स्टडीज़ क्विज ठीक है जैसे होता है ना कि इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं प्लांट की स्टडी को क्या बोलते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस के चांसेस रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने के तो आज हम वो सब करेंगे बट क्विज़ की फॉर्म में करेंगे और आपको क्या करना है आपको अपना स्कोर चेक करना है और देखना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो जब आपको पता रहता है ना कि आप यहाँ पर स्टैंड करते हो एंड आप में क्या कमियाँ हैं जब आपको पता रहता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट या फिर क्विज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है तो ये आपका स्कोर बोर्ड अगर आपके जिस भी कैटेगरी में मार्क्स आते हैं उस हिसाब से देख लेना कि आपका अभी प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है एंड और कितना प्रिपेयर करने की ज़रूरत है सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज़ एग्रो बायोलॉजी किसकी स्टडी को बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अर्थ प्लांट न्यूट्रिशन या फिर क्रॉप्स इनमें से किसको बोला जाता है ठीक है अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा अगर नहीं माइंड में आया है तो वीडियो पोज करके सोच लीजिए काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं सो मैं बीच में पोज नहीं कर सकती आई कंटिन्यू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी को बोला जाता है माइक्रो बायोलॉजी एंड जो अर्थ वोम होता है वो हेलमिट्स की कैटेगरी में आता है उनकी स्टडी को बोला जाता है हेलमिथॉलॉजी देन जो आपकी क्रॉप्स हैं उनकी स्टडी को बोला जाता है एग्रॉनमी सो तो आपका आंसर विल बी प्लांट न्यूट्रिशन ठीक है द स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ इन रिलेशन टू सॉयल इज़ नोन एज एग्रो बायोलॉजी नेक्स्ट इज एग्रोलॉजी प्लांट्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स सॉयल और फर्टिलाइजर्स सी फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स इज गोल्ड बॉटनी बॉटनी इज ऑल्सो सब्जेक्ट इन बी एस सी मेडिकल एंड बी एस में भी मिल जाता है बॉटनी सब्जेक्ट जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं देन हमारे पास है सॉयल सॉयल की स्टडी को बोला जाता है पिडोलॉजी देन फोर्थ इज़ फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स की स्टडी का कोई भी पर्टिकुलर नेम नहीं है देन आर आंसर विल बी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एग्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सॉयल साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स नेक्स्ट इज एग्रोस्टोलॉजी ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर क्रॉप्स ट्रीज और ग्रास क्रॉप्स की स्टडी को क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ ट्रीज वो प्लांट्स में ही आ जाते हैं प्लांट्स की थ्री कैटेगरीज होती हैं हर्ब्स शर्ब्स एंड ट्रीज सो so, जो ट्रीज हैं वो वाटी में ही आ जाएंगे एंड ग्रास की स्टडी को क्या बोलते हैं और एग्रीकल्चर की स्टडी को क्या बोलते हैं अच्छा जो एग्रीकल्चर है उसकी एक पर्टिकुलर स्टडी नहीं होती है एग्रीकल्चर इज बेसिकली अ प्रैक्टिस तो एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनकी स्टडी होती है एग्रीकल्चर की स्टडी नहीं होती सो रिमेनिंग ऑप्शन इज़ फोर्थ वन ग्रास स्टडी ऑफ ग्रास इज नोन एज एग्रोस्ट्रोलॉजी ठीक नेक्स्ट इज एस्ट्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है या तो एस्ट्रोलॉजी को बोला जाता है या एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी बोथ हार्ड स्टडीज ठीक है तो अब आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एस्ट्रोबायोलॉजी एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी में से ही किसी को बोला जाता है अगर नहीं तो फिर थर्ड ऑप्शन इज ऑ ऑफ लाइफ एंड फोर्थ ऑप्शन इज यूनिवर्स ठीक है अच्छा जो यूनिवर्स है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है कॉस्मोलॉजी बोला जाता है तो आपके पास अब थ्री ऑप्शंस रह गए हैं उसमें से आप सोच लीजिए ठीक है अगर आपको आता है तो ठीक है नहीं आता है देन हियर इज़ योर आंसर द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज नोन एज एस्ट्रोबाइलॉजी नेक्स्ट वन वी हैव इज एस्ट्रोजियोलॉजी ठीक है काफ़ी सिमिलर सिमिलर वर्ड्स हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा मतलब तीन चार बार आप रिवाइज करेंगे तो ये आपके माइंड में रिटेन होगा देन एस्ट्रोजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ जियोलॉजी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या है सबसे पहले तो सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो नेचुरल बॉडीज़ होती हैं अर्थ के अलावा और भी अर्थ भी आती है ऑफकोर्स और भी जो होती हैं तो क्या क्या आगे सन बाकी स्टार्स आ गए प्लानट्स आ गए इसमें आपके नेचुरल सेटेलाइट्स आ गए आपके कॉमेट्स आ गए एस्टेरॉइड्स आ गए ठीक है ये सब क्या होते है सेलेस्टियल बॉडीज होता है अच्छा जियोलॉजी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है जब हम किसी सेलेस्टियल बॉडी की फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसको जियोलॉजी बोला जाता है ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका सेलेस्टियल बॉडी एज अ होल आएगा और सेकेंड ऑप्शन में खाली जियोलॉजी है देन थर्ड में क्या है रिलेटिव पोजिशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज कि आप सेलेस्टियल बॉडीज़ की रिलेटिव पोजीशंस को स्टडी करना उसको एस्ट्रोजियोलॉजी बोलोगे या फिर प्लैनेट्स की स्टडी को बोलोगे आंसर मैं बता देती हूँ जो आपका फर्स्ट है सेलेस्टियल बॉडीज उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या बोलते हैं उसकी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आपने सुना भी होगा ना बहुत बार हम मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो हाथ दिखाते हैं कोई पंडित पंडित या और लोग बैठे होते हैं जो हाथ देख आपको आपका फ्यूचर बताते हैं जो भी बताते हैं तो उस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है तो वो चीज़ कैसे वर्क करती है जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है बेसिकली प्लानट्स होते हैं और जो मून होता है उनकी रिलेटिव पोजिशन को रिलेट किया जाता है हमारी लाइफ से ठीक है तो फिर बताया जाता है कि हाँ ये होने वाला है ये नहीं होने वाला ठीक है तो वो क्या होता है एस्ट्रोलॉजी होता है सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आर रूल्ड आउट एंड जो आपका प्लानट है प्लानट आपका फर्स्ट में ही आ जाएगा प्लानट्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज तो प्लानट की स्टडी को एस्ट्रोनॉमी ही बोल देंगे हम तो so, ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास सेकेंड एस्ट्रोजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जियोलॉजी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज नेक्स्ट वी हैव इज बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी किसकी स्टडी को बोलेंगे आप बैक्टीरिया की स्टडी को फ़ोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया को या फिर बैक्टीरियल डिसीजेज़ को बैक्टीरिया क्या होता है वो आपको मालूम है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है प्रोसेस होता है आपने पढ़ा होगा जिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट का कर यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं तो हमारे जो अर्थ है उस पर सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बैक्टीरिया भी होते हैं एंड कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो सनलाइट का कर यूज़ करके अपना खाना खुद से बना सकते हैं ठीक है एंड सैनोबैक्टीरिया आर एग्ज़ाम्पल ऑफ फ़ोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो जो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है वो तो काफ़ी सिमिलर से हैं एंड अभी आपको देखना है कि आप क्या चूज़ करेंगे बिकॉज जो आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया वो तो आ जाएंगे आपके बैक्टीरिया के अंदर ही तो आप सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन को रूल आउट कर सकते हैं देन देर आर टू ऑप्शन लेफ्ट बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल डिसीज ठीक है अगर आप थोड़ा ओवर माइंड लगाएंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ जो बैक्टीरिया की आप स्टडी करेंगे ना उसमें बैक्टीरियल डिसीजेज़ भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी सो आंसर इज़ फर्स्ट वन द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी नेक्स्ट इज ब्रोमेटोलॉजी किसकी स्टडी को बोला जाता है फूड को जंक फूड को ग्रीन वेजिटेबल्स को एंड बैलेंस डाइट को अब जो आपका जंक फूड और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो दोनों किस में आ जाते हैं फूड के अंदर आ जाते हैं तो अब आपको देखना है फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में से इसका आंसर क्या आएगा हेर इज योर आंसर स्टडी ऑफ फूड इज नोन एज ब्रोमेटोलॉजी देन कार्डियोलॉजी किसकी स्टडी को बोला जाता है किडनी को ब्लड को हार्ट को या फिर कार्डियोग्राफ को अच्छा कार्डियोग्राफ क्या होता है जो हार्ट की आपकी इलेक्ट्रिक मूवमेंट होती है जब जो हार्ट होता है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है ना तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक मूवमेंट्स होती हैं कुछ उन मूवमेंट्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कार्डियोग्राफ बोला जाता है ठीक है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कार्डियोग्राफ जब कार्डियोग्राफी कराने जाते हैं तो वो ठीक है तो कार्डियोग्राफ की स्टडी नहीं होती कार्डियोग्राफ इज़ अ काइंड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है उसका प्रोसेस होता है जिसको कार्डियोग्राफी बोला जाता है सो फोर्थ ऑप्शन इज रूल्ड आउट देन अब आपको डिसाइड करना है किडनी ब्लड और हार्ट में से क्या आंसर आएगा देन स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी ठीक है जो कार्डियो वर्ड होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है कभी भी जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो कौन सा डॉक्टर होता है हार्ट का होता है ना तो कार्डियोलॉजी क्या हो गई स्टडी ऑफ हार्ट हो गई नेक्स्ट हम चलते हैं साइटोलॉजी पे साइटोलॉजी किसको बोलोगे आप प्लांट सेल को एनिमल सेल को बैक्टीरियल सेल को बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल को या फिर ओल को अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो आपका ये फिफ्थ ऑप्शन है ओल ये सारी की सारी सेल को कवर कर लेगा ठीक है प्लांट सेल भी एनिमल सेल भी बैक्टीरियल सेल भी और फोर्थ ऑप्शन भी ये जो है कवर कर लेगा सो so, आपको जो है फिफ्थ ऑप्शन के लिए जाना चाहिए क्योंकि जो ऑप्शन ऐसे होते हैं ना जिसमें ऑल ऑफ दबक लिखा होता है उनमें नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन में, में यही आंसर होते हैं और यहाँ पर भी यही आंसर है साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल सेल है आइदर इट बी प्लांट सेल और एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल और सेल ऑफ अ फनजाई किसी का भी सेल हो बस सेल होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम का ठीक है एंड ऑल्सो कार्लॉजी इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ सेल ठीक है सेल की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं कारियोलॉजी भी बोल देते हैं एंड साइटोलॉजी भी बोल देते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं साइटो अब हमने साइटो वर्ड देख लिया किसके लिए यूज होते हैं सेल के लिए तब हमें इतना तो पता है कि सेल से रिलेटेड कुछ है बट आगे मोर्फो वर्ड भी है तो हमें मोर्फो का मीनिंग भी पता होना चाहिए अगर आपको पता है तो आपको आंसर बिल्कुल एकदम से दिख जाएगा तो अब आप देखो किस किस स्टडी को कह सकते हैं एनिमल सेल प्लांट सेल बैक्टीरियल सेल या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल अब देखो जो सेल है वो तो हम सारे कर चुके हैं साइटोलॉजी में सो ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल तो इसका आंसर क्या होगा साइटोमोरफॉलोजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ठीक है जब हम सेल को एज अ होल स्टडी करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं जब हम स्पेसिफिकली उसके स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं तो उसको साइटोमोरफॉलोजी बोला जाता है द नेक्स्ट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी तो आपको पता होगा क्या होता है टाइम से रिलेटेड होता है अब डेंड्रो वर्ड किस से रिलेटेड होता है ट्री से रिलेटेड होता है अब चारों ऑप्शन भी ट्री से रिलेटेड है हमारे पास ट्रीज की स्टडी को बोला जाता है बाग्स को रिंग्स ऑफ ट्रीज को या फिर ब्रांचेस को ठीक अब इसमें है ना क्या होगा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा ट्री को कि फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा बाकी सब तो ट्री का पार्ट है बट नो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द एज ऑफ ट्रीज एंड द रिकॉर्ड्स इन देयर रिंग्स क्या होता है कि जो ट्री है ना जो आपको यहाँ पर पिक्चर में इसकी रिंग्स दिखाई दे रही हैं आपने एक्चुअल लाइफ में भी देखी होंगी ये एनुअल रिंग्स इनको इनको बोला जाता है एक साल में एक रिंग बनती है तो हम नंबर ऑफ रिंग्स को काउंट करके ये पता लगा सकते हैं कि उस ट्री की एज कितनी है ठीक है तो उस स्टडी को क्या बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी नेक्स्ट इज डोमेटोलॉजी रैशेज को बोलोगे आप एलर्जी को बोलोगे ह्यूमन बॉडी की स्टडी को बोलोगे या फिर स्किन की स्टडी को बोलोगे अब देखो जो आपके रैशेज एंड जो एलर्जी आते हैं ये आपके डिसीज़ के अंदर आ जाएंगे ठीक है डिसीज़ की स्टडी के अंदर देन ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी की जो स्टडी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी जो फिजियोलॉजी होती है उसमें हम सिस्टम्स की स्टडी करते हैं लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया और जो एनाटॉमी होती है उसमें हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया स्किन वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि स्किन की स्टडी को डर्माटोलॉजी बोला जाता है क्योंकि अगर किसी को स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो किसके पास जाता है डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाता है ठीक नेक्स्ट वी हैव इज एम्ब्रियोलॉजी किसकी स्टडी को बोलेंगे एम्ब्रियो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो ट्वेंस को बोलेंगे या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को बोलेंगे ठीक है अब यहाँ पर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं जो आपका सेकेंड ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन के अंडर ही आ जाएगा एम्ब्रियो के अंदर और वैसे भी हमें नाम से क्वाइट क्लियर है दैट एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज नेक्स्ट वी हैव इज एंडोक्राइनोलॉजी ग्लैंड्स की स्टडी को बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की या फिर नन ऑफ थीस अच्छा जो ग्लैंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एंडोक्राइन एंड एक्जोक्राइन बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हॉर्मोन को सिक्रीट करते हैं एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो नॉन हारमोनल सिक्रीशन होती है उनकी फॉर एग्जाम्पल टीय सिलाईवा ठीक है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं एंड जो एक्जोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो जो सिक्रीट करते हैं वो डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट करते हैं ठीक है so, तो यहाँ पर आपका थोड़ा साइंस का पोर्शन कवर हो गया ये आपका जनरल नॉलेज में साइंस में आता है ग्लैंड ठीक है तो यहाँ पर नाम से क्लियर है हमें काफ़ी अच्छे तरीके से दैट एंडोक्राइनोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी ग्लैंडस नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटामोलॉजी की इंसेक्ट्स की स्टडी को विंड की स्टडी को स्पेस की स्टडी को या फिर टाइम की स्टडी को ठीक अब जो है हमारे पास विंड उसकी स्टडी को बोला जाता है एनिमोलॉजी ए एन ई एम ओ एल ओ जी वाई एनिमोलॉजी एन थर्ड वन इज स्पेस स्पेस जो होता है वो हमारा यूनिवर्स के अंडर कंसिडर हो जाता है तो यूनिवर्स की स्टडी जिसको हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं वो ही आ जाएगा ठीक है दैन फोर्थ इज टाइम टाइम की स्टडी को हम बोलते हैं हॉरोलॉजी एच ओ आर ओ एल ओ जी वाई ठीक है सो हमारे पास क्या बच गया इंसेक्ट्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ कोल्ड एंटामोलॉजी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स अभी मैंने टू थाउजेंड ट्वेंटी में तो बहुत कम एग्ज़ाम हुए हैं कॉम्पिटिटिव दैन उसके बाद ट्वेंटी ट्वेंटी वन में तीन चार एग्जाम्स में देख चुकी हूँ एंटामोलॉजी मैंशनड है और सिर्फ इसमें नहीं प्रीवियस ईयर की जो बुक्स हैं उनमें भी बहुत सारे पेपरों में एंटामोलॉजी बिल्कुल पूछा होता है कि इंसेक्ट्स के स्टडी को वो होता है ठीक है नेक्स्ट इज एनजाइमोलॉजी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की स्टडी को बोलोगे इफेक्ट्स ऑफ एंजाइम्स एंजाइम्स को बोलोगे या फिर ऑल अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है अब आपको यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करके ये तो पता चल गया होगा दैट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ एंजाइम्स वो एंजाइम्स में ही आ जाएंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन की बजाय हम थर्ड ऑप्शन लिखना बेहतर समझेंगे तो फिर अब आप एंजाइम्स वाला ऑप्शन टिक करोगे या ऑल वाला ऑप्शन टिक करोगे अगर इसमें ऑल ऑप्शन नहीं दिया होता फिर हमें क्या करना होता है कि एंजाइमोलॉजी में टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की स्टडी भी आती है इफेक्ट्स ऑफ एंजाइम्स की स्टडी भी आती है एंजाइम्स की स्टडी भी आती है तो इन तीनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा होता है एंजाइम्स क्योंकि फर्स्ट और सेकंड थर्ड में इंक्लूड हो जाएंगे बट अगर आपका ओल दिया हुआ है तो फिर आप ओल ही सिलेक्ट करोगे क्योंकि थर्ड तो आपका आंसर है ही बट फर्स्ट और सेकेंड भी गलत नहीं है वो भी सही आंसर है तो फोर्थ में वो सब कवर हो जाता है दैन फोर्थ विल बी राइट आंसर यहाँ पर आपका ओल आएगा एंड एंजाइमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंजाइम्स वैसे एंजाइम्स की स्टडी है बट उस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर ओल ही आएगा देन आप ही डायमियोलॉजी की बात करते हैं कि किसकी स्टडी को बोला जाता है कम्युनिकेबल डिसीजेज डिसीजेज आपकी कहीं टाइप की होती हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं जो कांटेक्ट से स्प्रेड हो जाती है नॉन कम्युनिकेबल जो कॉन्टैक्ट से स्प्रेड नहीं होती फॉर एग्जाम्पल फीवर कम्युनिकेबल में आपका कोल्ड आ जाएगा देन डिसीज़ uh, और कौन सी होती है एपीडेमिक डिसीज़ होती है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत सारे लोगों को हो जाती है और एक पैंडमिक होती है जो कि कोविड नाइन्टीन थी उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिसीज़ वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्से में फैल जाती है ठीक है एपिडेमिक जो होती है वो पॉपुलेशन वाइज होती है कि बहुत सारे लोगों को हो गई एक पर्टिकुलर प्लेस पे एंड पैंडमिक क्या होता है कि बहुत बड़े प्लेस पे या फिर बहुत सारी जगहों पे वो फैल गई है तो एपिडेमियोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे स्किन स्किन तो नहीं करेंगे वो हमारे पास आ चुका है डिजास्टर स्टडी करेंगे हम ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ डिसीज स्टडी करेंगे या फिर कम्युनिकेबल <coughs> एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ ओरिजिनल स्प्रेड ऑफ डिसीज को स्टडी करेंगे देखो अगर आपके पास ऑप्शन में एपिडेमिक डिस भी होता ना तो वो ऑप्शन गलत होता आंसर वही आता आपका स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ डिसीजेज क्योंकि एपिडेमिक जो होती है ना वो कोई भी डिसीज़ हो सकती है कोई भी डिसीज़ अगर एक जगह पे बहुत सारे लोगों को हो गई है किसी रीजन से तो वो एपिडेमिक डिसीज बन सकती है सो एपिडेमियोलॉजी डज नॉट ओनली डील विद एपिडेमिक डिस बट बाकी की सब डिसीजेज जो कि एपिडेमिक डिसीज़ बन सकती है उनके साथ भी डील करती है ठीक है देन हिमाटोलॉजी की हम बात करते हैं किसके साथ डील करेगी हेमोफीलिया हिपैटिक सेल्स ब्लड और हेमोग्लोबिन हेमोफीलिया क्या होता है काइंड ऑफ डिजीज होती है जिसमें आर में म्यूटेशन हो जाती है देन हिपैटिक सेल्स होते हैं हिपैटिक जो वर्ड होता है वो आपका लीवर से रिलेटेड होता है एंड हिपैटिक सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर ठीक है देन आपका ब्लड आपको पता ही है और हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका आर में होता है जिसमें आयरन होता है और जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है तो so आंसर क्या होना चाहिए अब हिमेटो से आपने अंदाजा लगा लिया होगा या तो हिमोफीलिया आंसर आएगा या हीमोग्लोबिन आंसर आएगा बट जो ये वर्ड होता है ना ये ब्लड से रिलेटेड होता है ठीक है अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिमोफीलिया है वो ब्लड की डिसीज है और जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड के अंदर होता है अब ये दोनों ब्लड से एसोसिएटेड है तभी ये भी हेम वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं तो हिमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड नेक्स्ट इज कैमेटोलॉजी कैनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है वेव्स की स्टडी से ओशियन करंट से या फिर विंड से किस से रिलेटेड है ये कायमेटॉलोजी इज द स्टडी ऑफ वेव्स और वेव मोशन ठीक है वेव्स टाइड्स और ओशन करंट्स अलग अलग चीजें होती है कामेटॉलोजी पर्टिकुलरली डील्स विद वेव्स देन लिथोलॉजी की बात करते हैं किससे डील करती है लिथॉस्फेर लिथोसफेयर क्या होता है लिथोस्फेयरिक प्लेट होती है ना लिथोसफेयर बेसिकली क्या होता है जब हम अर्थ की लेयर्स करते हैं उसमें आता है हमारे पास लिथोसफेयर करते हैं मीजॉस्फेयर करते हैं और लिथॉस्फेयर जो है, होती है टॉप लेयर होती है देन कॉन्टिनेंट्स जो ज़मीन वाला एरिया है हमारी अर्थ का उसका कॉन्टिनेंट बोलते हैं देन अर्थ एंड रॉक्स इन चारों में से किसकी स्टडी को बोलेंगे लिथोलॉजी बहुत ईजी है रॉक्स की स्टडी को बोलेंगे ठीक है ये छोटी क्लासेस में आता था एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके आने के चांसेस भी हैं दिन तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्रोलॉजी की किसकी स्टडी को बोला जाएगा किडनी स्टमक नर्व्स एंड ग्लैंड्स अब देखो ग्लैंड्स तो हम पढ़ चुके हैं तो इसको तो आप कर दो एलिमिनेट बच गया किडनी स्टमक एंड नर्व्स ठीक है जो आपका स्टमक है उसकी स्टडी को बोला जाता है गेस्ट्रो एंट्रोलॉजी स्टमक नहीं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी को बोला जाता है गेस्ट्रो एंट्रोलॉजी ठीक है तो क्या बच गया ऑप्शन में किडनी या फिर नर्व क्या आंसर आएगा स्टडी ऑफ किडनीज जो नर्व की स्टडी को बोलते हैं ना वो भी थोड़ा सा सिमिलर ही है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं नर्व्स की स्टडी को एनाटॉमी मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर की स्टडी को बोला जाता है किडनी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है पीछे नेफ्रोलॉजी अच्छा ये जो वर्ड्स है मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ कार्डियो वर्ड हार्ट के लिए यूज़ होता है हिपैटिक वर्ड लीवर के लिए यूज होता है हेम वर्ड ब्लड के लिए यूज़ होता है नेफ्रो किडनी के लिए यूज़ होता है बिकॉज नेफ्रोन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी देन न्यूरो इज यूज फॉर ब्रेन बिकॉज न्यूरोन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन ठीक है ये जो आपको दिखाई दे रही है ना पिक्चर में ये न्यूरो हैं और हमारे ब्रेन के अंदर यही होती हैं जो मैसेज को ट्रांसफर करती हैं तो इनकी स्टडी को न्यूरोलॉजी बोला जाता है नेक्स्ट इज ओडोंटोलॉजी आइस की स्टडी को टीथ गम्स एंड टूथ एक जो गम्स है ना वो टीथ के अंदर की स्टडी अलग से नहीं होगी तो आपको पर अब आप बस ये डिसाइड करना है कि की स्टडी को बोलना है या टीथ की स्टडी को बोलना है सो ओडोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टीथ नेक्स्ट इज ऑनकोलॉजी तो अब आपने देख लिया ना टीथ से रिलेटेड वर्ड के लिए क्या यूज होता है और ओडोंटो यूज होता है अब यहाँ पर है ओनकोलॉजी ओन को किससे रिलेटेड है वर्ड आई से टीथ से कैंसर से या ट्यूमर से टीथ से तो है नहीं है या तो आई आएगा या कैंसर आएगा या फिर ट्यूमर आएगा देख लेते हैं क्या आंसर है स्टडी ऑफ कैंसर सो ओनको वर्ड जो है वो कैंसर से रिलेटेड है सो आंसर विल बी कैंसर अच्छा एक आपके ऑप्शन में ट्यूमर भी था ट्यूमर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैंसर अगर आपके क्वेश्चन में कैंसर नहीं है खाली ट्यूमर है तो ट्यूमर आपका सही आंसर होगा बट अगर आपके क्वेश्चन में ट्यूमर एंड कैंसर दोनों हैं देन कैंसर विल बी राइट आंसर नेक्स्ट वी हैव इज ओलॉजी ये जो डबल ओ है ये हमारा कहाँ पर यूज होता है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा चिकन की स्टडी के लिए एग्स के लिए योक के लिए या फिर शेल्स के लिए जो शेल्स की स्टडी है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं कॉन्कोलॉजी सी ओ एल सी एच ओ एल ओ जी वाई कॉन्कोलॉजी बाकी क्या बच गया चिकन एग या फिर योक स्टडी ऑफ एग्स इज नॉन एज ओलॉजी जो योक होता है वो तो एग के अंदर ही होता है ना सो तो योक वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है नेक्स्ट वी हैव हैविज ऑफ थेलमोलॉजी नोज की स्टडी को बोलेंगे यर्स की स्टडी को टीथ को या फिर आइस को टीथ हम कर चुके हैं सो तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है जो नोज है उसकी स्टडी को बोला जाता है राइनोलॉजी आर एच आई एन ओ ठीक है और जो ईयर है उसकी स्टडी को बोला जाता है ऑटोलॉजी ओ टी ओ एल ओ जी वाई देन ओनली ऑप्शन वी हैव इज आइस

नेक्स्ट वी हैव इज पलियॉन्टोलॉजी पोलन ग्रेन्स की स्टडी को बोलेंगे एशियन साइट्स की स्टडी को बोलेंगे फॉसिल्स को या फिर फॉसिल फ्यूल्स को अच्छा जो पोलन ग्रेन्स होता है उसकी स्टडी को बोला जाता है पलायनोलॉजी थोड़े सिमिलर स्पेलिंग है पी ए एल वाई ओ वाई एन ओ ठीक है देन एशियन साइट्स उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजी देन फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स रह गया हमारे पास पेरेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ द एंशियन लाइफ फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं जो फॉसिल्स से बनते हैं अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एग्जाम्पल कोयल एंड पेट्रोलियम नेक्स्ट इज साइकोपैथोलॉजी किसकी स्टडी को बोलेंगे साइकोपैथ्स या फिर डिप्रेशन की स्टडी को बायपोलर डिसऑर्डर को या फिर मेंटल इलनेस को डिप्रेशन एंड बायपोलर डिसऑर्डर आर सब पार्ट ऑफ मेंटल इलनेस तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं या तो साइकोपैथ को बोलेंगे या फिर मेंटल इलनेस की स्टडी को आंसर इज मेंटल इलनेस या फिर मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है साइकोपैथोलॉजी अगर आपके माइंड में साइकोलॉजी आंसर आया था ना साइकोलॉजी इज नॉट स्टडी ऑफ ओनली मेंटल इलनेस ये जो होती है ना माइंड से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारे आस्पेक्ट्स की स्टडी को साइकोलॉजी बोला जाता है नॉट स्पेसिफिकली डिसीज़ और इलनेस ठीक है नेक्स्ट इज सेडिमेंटोलॉजी किसको बोलेंगे आप रॉक्स की स्टडी को पहले आ चुका है या तो स्टोन्स की स्टडी को, को या सेडिमेंट्स की स्टडी को या सॉयल सॉयल की स्टडी मैंने आपको बताई थी पीडोलॉजी होती है स्टोन्स या फिर सेडिमेंट्स अच्छा स्टोन्स आर अ काइंड ऑफ सेडिमेंट तो आंसर इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडीज सेडिमेंट्स नेक्स्ट वी हैव सिस्मोलॉजी अब सिस्मिक वर्ड तो आपने सुना होगा किस से रिलेटेड है ये अर्थक्वेक से जब अर्थक्वेक आता है तो हम कहते हैं ना कि इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था और जो वेव्स थी पी वेव्स होती है एस वेव्स होती हैं एल वेव्स होती हैं उस उससे देखा जाता है कि एपी सेंटर क्या है अर्थक्वेक का एप सेंटर वो होता है जहाँ से जो अर्थक्वेक है उसकी स्टार्टिंग होती है ऑन सरफेस सरफेस के ऊपर वाला पॉइंट होता है ठीक है तो हमें बताने कि सिस्मिक की सिस्मिक वेव्स की स्टडी को बोलेंगे जिनकी वजह से अर्थक्वेक होता है या फिर अर्थक्वेक की स्टडी को बोलेंगे एपिसेंटर्स की स्टडी को बोलेंगे जिसका यूज़ किया जाता है ये पता लगाने में कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था अर्थक्वेक या फिर सिस्मिक एक्टिविटीज़ के कोजेस क्या क्या हैं उसकी स्टडी को बोलेंगे सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सिम्पली अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मैं आपको जानना नहीं है सिंपली अर्थक्वेक की स्टडी को बोलते हैं देन टापालॉजी किसकी स्टडी को बोलेंगे ट्रीज बिल्डिंग्स क्लोजनेस एंड कनेक्टेडनेस या फिर चार्ट्स इसका आंसर होगा क्लोजनेस एंड कनेक्टेडनेस जब हम क्लोजनेस एंड कनेक्टेडनेस की मैथमेटिकल स्टडी करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर किसी और रिप्रेजेंटेशन से उसको टापोलॉजी बोला जाता है नेक्स्ट इज टॉक्सिकॉलोजी किसकी स्टडी को बोलेंगे टॉक्सिक थॉट्स की स्टडी को पॉइजंस की स्टडी को टॉक्सिक गैसेस की स्टडी को या फिर टॉक्सिसिटी की स्टडीज को देखो क्या आंसर आएगा इसका पॉइजंस स्टडी ऑफ इज़ एज टॉक्सिकॉलॉजी नेक्स्ट वी हैव इज किस किसकी स्टडी को बोलेंगे वायरस बैक्टीरिया वायरल डिसीजेज लाइफ स्पैन ऑफ वायरस बैक्टीरिया की हम कर चुके हैं बैक्टीरियालॉजी ओनली थ्री ऑप्शन आर लेफ्ट आंसर आपको मिल गया होगा क्योंकि जो थर्ड एंड फोर्थ है आई आर सबसेट ऑफ फर्स्ट वन सो आंसर विल बी वायरोलॉजी द स्टडी ऑफ वायरसिस नेक्स्ट इज बॉल कैनोलॉजी किसकी स्टडी को बोलोगे आप बॉल कैनो को लावा की स्टडी को मोल्टन रॉक्स की स्टडी को या फिर हमें बॉल कैनो की एज निकालने के लिए जो स्टडी करते हैं हम उसको बोलेंगे हम वॉलकैनो की स्टडी को बोलेंगे बाकी जो तीन ऑप्शन थे वो वालकैनो की स्टडी में कवर हो जाते हैं ठीक है जो स्टडीज़ होती है ना बेसिकली एक ब्रॉड कैटेगरी को लेके चलते हैं तो पर्टिकुलर कैटेगरी को लेके नहीं चलती है जैसे वालकैनो है पूरी ब्रॉड कैटेगरी है बाकी सब चीज़ें उसके अंडर कवर हो जाती है प्लांट है पूरी ब्रॉड कैटेगरी है ना तो स्टडीज़ में ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं एंड ऑल्सो वल कैनोलॉजी उसमें वॉल था इसमें वल है वो की जगह यू भी लगा देते हैं वैसे ऑफिशियल स्पेलिंग नहीं है बट बहुत सारी जगह भी आपको वल कैनोलॉजी की जगह वल कैनोलॉजी भी मिल सकता है ठीक नेक्स्ट एंड लास्ट इज जैमोलॉजी किसकी स्टडी को बोलोगे आप जयगाट insects, fermentation या फिर एंजाइम इंसेक्ट्स हम कर चुके हैं हम enzyme भी कर चुके हैं फॉर्मेंटेशन और जयगोट रहते हैं अच्छा फॉर्मेंटेशन क्या होता है फॉर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी सिर्फ जैसे दूध से दही बनती है वो फॉर्मेंटेशन के थ्रू बनती है और जो केक में इनो डाला जाता है या फिर बेकिंग सोडा वगैरह डाला जाता है तो उससे क्या हो जाती है फॉर्मेंटेशन हो जाती है तो उस प्रोसेस को फॉर्मेंटेशन बोलते हैं तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं जैमोलॉजी ठीक है सो ये थी आपकी स्टडीज अब देख लेना आपका स्कोर क्या है एंड आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है अगर आपको मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर आते थे तो बहुत अच्छी बात है रिवीजन करते रहना अगर नहीं आते थे तो थोड़ा और हार्डवर्क कर लो पेपर में अभी टाइम है, ठीक है सो आज के लिए इतना ही बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ओके अ नाइस डे थैंक्स फॉर वाचिंग